गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनामिने श्री सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषसन्यवादी पाश्चात्ये सदारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का भक्ति सामने सिंधु की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? अध्याय 18 जिसमें हम बताए थे कि भक्ति सामने सिंधु के पूर्व भाग में चार विभाग किए गए हैं। पूर्व दिशा के चार विभाग, जिसमें हम लोग तीसरा विभाग पढ़ रहे हैं, भाव भक्ति। ठीक है, जो कि 17 अध्याय और 18 अध्याय और आखिरी आएगा प्रेम भक्ति। किया जा सकता है उसके एक एक स्तर के बारे में हमने बताया था। आज हम लोग सुनेंगे जो भाव भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं उसके क्या गुण होते हैं, उसके क्या चरित्र होते हैं। तो सबसे पहला उसका गुण क्या है? शांति। सबसे पहला गुण क्या है? शांति। गोपाल जी भी इसी को सबसे पहले वर्णन करते हैं कि शांति है क्या। कोई भी भाव भक्ति को जो प्राप्त कर लिया है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जो भाव भक्ति को प्राप्त कर लिया है उसके अंदर आंसू आएंगे उसकी आंखों से, वो कंप होगा, वो कांपने लगेगा, पुलक। ये जो गुण है, ये जो दिखाई देते हैं, ये केवल बाह्य है। क्या है ये? बाह्य। केवल इसको देख करके हम किसी को नहीं बोल सकते कि वो भाव भक्ति के अंतर्गत आता है। वो किसी के अंदर भी आ सकता है, किसी और कारण से भी रो सकता है व्यक्ति। जैसे लोग कथा सुनाते ना, एक महात्मा जी एक बार कथा सुना रहे थे, तो जब बहुत देर तक कथा सुनाए तो एक माता जी आई थी। वो माता जी उस कथा वाचक को देख करके, उनकी कथाओं को देख करके रोने लगती है, आँख से आंसू निकलने लगता है। तो महात्मा जी जब कथा खत्म हो जाता है तो पूछते हैं कि आपको भाव आ गया था तो ऐसा क्या अनुभव कर रहे थे आप? तो माता जी बोलती है कि आपके दाढ़ी से जो मिलता जुलता, एक मेरा बकरी का भी दाढ़ी था, वो बकरी जो है मेरा गुम हो गया है, तो बकरी का दाढ़ी जो है आपके दाढ़ी के साथ मिलता है। तो इसको आंसू आ रहा है कथा में बैठ करके, इसका कारण ये नहीं कि वो भाव भक्ति का चरित्र हो सकता है। वो किसी भी चरित्र के अंदर आ सकता है। लेकिन हम यहाँ बात करें अध्यात्म रूप से, अगर कोई भाव के स्तर में है तो उसके अंदर सबसे पहला गुण क्या आएगा? शांति। शांति। शांति की परिभाषा बताते हुए आचार्य बताते हैं कि शांति क्या है? क्षोभ हेताव अपि प्राप्ते शांतिर अक्षुब्ध भितात्मा। मतलब कोई शांति का मतलब कोई ऐसा क्षोभ की स्थिति आने पर भी व्यक्ति क्षुभित ना हो। मतलब दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, क्लेश आ रहा है, जितना चीज आ रहा है उपस्थित होने पर भी उसे कष्ट नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इसके परिभाषा में विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर लिखते हैं, चित्त क्षुब्ध होने के कारण उपस्थित होने पर भी चित्त का क्षुब्ध ना होना। क्या शब्द लिख रहे हैं वहां पर? क्षुब्ध। मतलब अगर कोई किसी को डंडे से मार रहा है, डंडा से मारने के बाद भी उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण में लिखा जाता है कि एक बार सब कोई कथा सुने कि राजा परीक्षित को उस ब्राह्मण के द्वारा श्राप दिया गया, और उस श्राप में उस ब्राह्मण ने क्या श्राप दिया कि तक्षक नाग आज से 7वें दिन आकर के काट लेगा। तो वो राजा थे, तो राजा को करना क्या चाहिए था उस समय? वो तो बहुत कुछ कर सकते थे उस समय। उस ब्राह्मण को भी दंड दिया जा सकता था,
लेकिन वो क्या हुआ, क्षुब्ध का परिस्थिति आया कि आज से सातवें दिन उनका प्राण हर लिया जाएगा। उस स्थिति में भी वो अपने आप को क्रोधित नहीं करते और बहुत दुखी नहीं होते हैं, और उसी को वर्णन करते हैं यहाँ पर कि तम माम मोपयातम पतियंतु विप्रह गंगा च देवी चितम ईश द्विजोपसृष्टम कुहकस ततक्षो वा दृशत अलम गायतः विष्णु गाथा। वो गंगा के किनारे जाते हैं और बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, आप जितने भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं वो आप सब मिल करके मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें और गंगा भी मुझे अपने शरणों पर स्थान दे, मैं यहाँ आपके शरणों में बैठ करके भगवान विष्णु के पुण्य गाथाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहता हूँ। वो वहाँ जा करके नहीं बोले कि बताओ ब्राह्मण ने हमें श्राप दिया है, हम उसका बदला कैसे ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्षुब्ध हुआ ही नहीं, उनको दिल में किसी प्रकार का क्लेश या क्रोध किसी तरह का उनके अंदर बुरा भावना उस ब्राह्मण के प्रति नहीं आया। लेकिन उसी ब्राह्मण के कुछ समय पहले क्या किए थे उन्होंने, क्या किया, वो स्वयं जा करके उसके पिता के ऊपर मरा हुआ सांप डाल देते हैं। लेकिन उसी का पुत्र जब सांप श्राप देता है तो किसी प्रकार से क्षुभित नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो जो राजा परीक्षित थे पहले ही भावस्था तक जा चुके थे, इसलिए वो क्षुभित नहीं होते हैं। वो उदाहरण दे करके बताते हैं कि शांति का उदाहरण क्या है, राजा परीक्षित दुख दुख का कलेश का स्थिति आने पर भी क्षुभित ना हो, कोई जान भी अगर ले रहा है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको क्रोध नहीं आना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, दाल में थोड़ा सा पानी ज्यादा आ जाए तो हमको गुस्सा आ जाता है, तीन टाइम चावल मिले एक टाइम रोटी नहीं मिले तो गुस्सा आ जाता है। तो हमारा जो स्थिति है भाव प्रेम का स्थिति नहीं नहीं। दूसरा अव्यर्थ कालत्वम, संस्कृत लिखे कि हिंदी लिखे, अव्यर्थ कालत्वम, कालत्वम अव्यर्थ कालत्वम का मतलब होता है व्यर्थ या अव्यर्थ मतलब बिना किसी कारण के काल को व्यर्थ न करना। इसके परिभाषा में लिखते हैं कि अन्य अन्य व्यर्थ विषयों के कार्यों में नियुक्त न रहकर केवल भगवत भजन में ही समय को व्यतीत करने का नाम अव्यर्थ कालत्वम है। अव्यर्थ कालत्वम का अर्थ होता है केवल भजन में अपने समय को लगाना, केवल भजन में अपने समय को लगाना। अव्यर्थ कालत्वम का मतलब हो गया कि हम अपने समय को भगवत चर्चा के अलावा किसी और चर्चा में लगाने वाले नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे समय को दूसरे काम में व्यर्थ लगाते हैं और फिर क्या बोलते हैं कि हम तो भाव में थे। भाव में समय का व्यर्थ नहीं होता है, समय का सदुपयोग होता है। कोई भाव में आकर के ये नहीं बोल सकता था कि हम रात भर नाचते रह गए इसलिए हमको सो नहीं पाए, ऐसा नहीं होता। भाव में आप दिन भर रात भर क्या कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ हम भाव के स्तर पर हैं। इसको कहते हैं यहाँ पर दुख गोस्वामी बताते हैं तो वाग्भी स्तुवंतो मनसा स्मरंत सह तन्वा नमंतो अनीशम न तृप्ता भक्ता सेवन नेत्र जला समग्नम आयुर हरेव एव समर्पयंती। वो क्या करता है, वाग्भी स्तुवंती अपने वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति को गाता है, मन के द्वारा भगवान का स्मरण करता है, तन के द्वारा भगवान को नमस्कार करता है, अनीशम न तृप्ता उसके बाद भी उसको तृप्ति नहीं मिलती। वो चाहता है कि 24 घंटे की जगह उसको 48 घंटे समय मिले तब जाकर के वो क्या करे, भगवान का नाम ले। आयुर हरे एव समर्पयंती, अपने हर समय को भगवान की स्मरण में लगाता है। ये हो गया अव्यर्थ कालत्वम। तीसरा क्या है, विरक्तिर वैराग्य। दूसरा का उदाहरण किसका है, नहीं वो पदवा पद्यावली से केवल एक श्लोक उद्धृत करते हैं रूप गोस्वामी। ऐसे जितने भी महात्मा हैं वो सबको देखेंगे तो उनका एक भी समय व्यर्थ नहीं जाता है। इसमें किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं,
नामदास हरिदास ठाकुर 192 माला करते तो 22 घंटा क्या कर रहे हैं वो भजन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को देखेंगे तो अपने जीवन के आखिरी 12 वर्ष वो केवल गंभीरा में एक ही छोटे कमरे के अंदर रह करके व्यतीत करते हैं, लगातार बाहर भी नहीं निकलते, कितना 12 साल। तो उन्होंने कोई भी समय क्या किया, व्यर्थ नहीं गवाया। जितने भी महात्मा का आप नाम लेंगे उन्होंने कभी भी अपने समय को नहीं गवाया, तो इनका आप उदाहरण ले सकते हैं। तीसरा क्या है, विरक्ति। विरक्ति मतलब वैराग्य। रूपाल जी इसका क्या लिखे हैं सीधा सर, वैराग्य। वैराग्य क्या होता है, भौतिक विषय उपस्थित होने पर भी अपने अंदर भोग की इच्छा का न आना वैराग्य कहलाता है। आपके पास वो वस्तु नहीं है तो आप उपवास कर लो, आपके पास 56 भोग नहीं है तो आप बोलो आज हमारा व्रत है, वो वैराग्य नहीं है। आपको विवाह करने के लिए स्त्री नहीं मिली तो आप बोलो कि हम ब्रह्मचारी हैं, आप ब्रह्मचारी नहीं है। विरक्ति का अर्थ होता है विषय का भोग उपस्थित होने पर भी विषय को भोगने की इच्छा प्रकट न होना वैराग्य कहलाता है। इसके अलावा वैराग्य और कुछ नहीं, ठीक है। इसके उदाहरण में देते हैं, पांचवें स्कंद से उदाहरण आता है, और एक उदाहरण देते हैं इसके लिए, एक और परिभाषा देते हैं। विरक्तिर इंद्रियार्थन स्यात् अरोचकता स्वयं, विषयों के प्रति अरोचकता मतलब उसके प्रति रुचि समाप्त हो जाएगी। आपके पास हो या ना हो उसके प्रति रुचि आपकी समाप्त हो जानी चाहिए, और उपस्थित होने के बाद भी भोग की इच्छा आपके अंदर ना आए। पांचवें स्कंद में उदाहरण मिलता है कि राजा भरत सब कुछ छोड़ करके कहाँ गए थे, भगवान का भजन करने के लिए। तो लिखते हैं यहाँ पर 5:14:43 भागवतम, यो दुरस्ते राजन दार सुदान सहित राज्यम हृदय स्पृशः जुहो एव मलवत उत्तम श्लोक लालसा। किसके लालसा में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उत्तम श्लोक लालसा, भगवान श्री कृष्ण की लालसा प्राप्त करने की इच्छा में उन्होंने अपने सजनों को, अपने पुत्रों को, अपने पत्नियों को और अपने सुहृद जनों को राज्य के सहित क्या कर दिया, छोड़ दिया। और कैसे छोड़ दिया, जुहैव एव मलवत, ऐसा उन्होंने त्याग किया जैसे हम किसी मल को त्याग करते हैं। कोई मल त्यागने के बाद फ्लश मारने के बाद सोचता है कि उसका क्या होगा, तो ऐसा उन्होंने भरत जी ने त्याग किया कि हम राज्य छोड़ करके आ रहे हैं तो पीछे राज्य का क्या होगा इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से विरक्त हो गए थे। इनका उदाहरण क्या है, भरत, ठीक है, विरक्तिर। और चौथा क्या है, मान शून्यता। मान शून्यता, अमान न मान देना चिंतनीय सदाहरि। सीधा सा अर्थ है कि मान की इच्छा न करना, लेकिन कैसी मान की इच्छा न करना, तो बताते हैं आपको मान सम्मान प्राप्त करने के लिए आपके अंदर वो सब योग्यता हो जो आपको आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास न पद है, न प्रतिष्ठा है, न ज्ञान है, न सुंदरता है, फिर वो इच्छा करे कि हमको मान मिलना चाहिए, मान मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पास ये सब कुछ है उसके बाद भी उसके अंदर मान प्राप्त करने की इच्छा न आए, उसको कहते हैं मान शून्यता। समझ गए। इसके उदाहरण में बताते हैं पद्म पुराण से, हरो रतिम वहन एस नरेन्द्राणाम शिखामणि भिक्षान अटन अरिपुरे स्वपाकम अपि वंदते। राजा भगीरथ हैं, राजा भगीरथ क्या करते हैं, जब उनके अंदर भगवान के प्रति भाव प्रेम की जागृति होती है, राजा भरत भगीरथ अपने संपूर्ण राज्य को परित्याग करके अपने शत्रु राजनीतिक दल जो के जो व्यक्ति होते हैं, राजा होते हैं, उसके पास भी जाकर के क्या कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं।
और यहाँ तक कि कहाँ जा रहे हैं, सो पाकम अपिवंदते, जो कुत्ते को पका करके खाते हैं वैसे लोगों को भी वो प्रणाम कर रहे हैं, और उनके घर भी जा करके भिक्षा आटक अरिपुरे, अपने अरिपुरे मतलब शत्रु के शहर में भी जा करके, और स्वपच जो कुत्ते खाते हैं उसको भी जा करके प्रणाम कर रहे हैं और भिक्षाटन कर रहे हैं। कौन? राजा भगीरथ, इनका उदाहरण देते हैं यहाँ पर। राजा भगीरथ ऐसे राजा हुए जो अपने जीवन में कभी भी मान की इच्छा नहीं करते। भगीरथ 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 ठीक है। ये हम क्या बता रहे हैं, भाव का जो चरित्र होता है, भाव के जो लक्षण होते हैं, आंतरिक लक्षण, वो जब तक आपके अंदर नहीं है तब तक आप भाव के स्तर पर नहीं पहुंचे, और ये सब आपके अंदर आनी चाहिए। और पांचवा क्या है, आशा बंध। रूपा जी इसको लिखते हैं बृहद आशा, बृहद आशा, बृहद आशा मतलब बड़ा आशा, और यहाँ आशा बंद लिखते हैं, इसका अर्थ समझिए। बृहद आशा का अर्थ होता है कि इतना बड़ा आस, अगर कोई छोटा मोटा आस लगाए कि कल हम बीज डाले हैं खेत पर, वो दो महीने के बाद अंकुर आएगा, अंकुर से फल फूटने लगेगा, तो ये छोटा मोटा आशा है। लेकिन कोई अपने हृदय में श्रद्धा रूपी बीज लगाए और कहे कि इसमें प्रेम रूपी फल निकलेगा, मतलब स्वयं भगवान उसको अपना दर्शन देंगे, ये छोटी मोटी आशा नहीं है। केवल ये आशा करना कि भगवान हमें दर्शन देंगे, उसको बनाए रखना, वो क्या कहलाता है, बृहद आशा। और आशा बंध क्या होता है, आशा के रूप में हम अपने आप को उसके साथ बांध करके रखते हैं। अगर हमको आशा नहीं हो कि हमारे भजन करने से, हमारे नाम लेने से भगवान की प्राप्ति होगी, तो हम भगवान का नाम लेंगे अथवा ना लेंगे, हम नाम लेना छोड़ देंगे। तो आशा के साथ हम बंधे हुए, इसलिए हम भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तब जाकर के हम उसको कहेंगे कि आशा बंद है। इसकी परिभाषा में लिखते हैं, न प्रेम श्रवण आदि भक्ति, पद्यावली का श्लोक है, न प्रेम श्रणादि भक्तिर अपिवा योगत्वा वैष्णवो, ज्ञानं वा शुभ कर्म वा कियत आहो सज जाति अप्यस्ति वा, हिनार्थ दीकं साधके त्वयि तथाप्य अछेद मूलः सति ही, हे गोपी जन बल्लभ व्यथते हा हा मद आशैव माम। प्रार्थना कर रहे हैं रूप गोस्वामी कि आशा क्या है, कि ना मेरे अंदर प्रेम है और ना मेरे पास प्रेम को प्राप्त करने के जो साधन है श्रवण और कीर्तन उसमें कोई रुचि है, न ज्ञान है, न कोई शुभ कर्म है, वा कियत अहो सज जाति अप्य, ना मैं किसी उच्च जाति में पैदा हुआ हूँ, हिनार्थ अधिक साधके, मैं हर साधन में हीन हूँ, त्वयि तथाप्य तब भी मैं अछेद मूला, फिर भी मैं यह आशा करता हूँ हे गोपी जन बल्लभ कि आप इतने कृपालु हैं कि इसके बाद भी आप मुझे प्राप्त होंगे। इसको कहते हैं आशा बंध, जो कौन लिख रहे हैं, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी को आशा लगा है कि भगवान इतने दुराचारी के बाद, इतने पाप होने के बाद, कोई भजन साधन ना होने के बाद मिलेंगे, ये क्या है आशा। ये आशा में दो चीज है, एक तो किसी भी साधन का अभिमान उनके पास नहीं, जो ये चीज आपके अंदर नहीं आएगा मान शून्यता, तब तक आप आशा बंद नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए यहाँ मान शून्यता है, इसलिए वहां पर गोस्वामी बोलते हैं ना मेरे पास भजन है, ना साधन है, ना किसी अन्य प्रकार के कोई जाति है, ना हम कोई श्रम कीर्तन आदि में रुचि रखते हैं, जबकि सब कुछ कर रहे हैं बिना मान के, तब जाकर क्यों क्या लगा रहे हैं, भगवान से आशा लगा रहे
कि हे भगवान आप हमें मिलेंगे। ऐसा क्या है इसमें, एक भजन है ना, आशा रख पगली आएंगे आएंगे हरि आएंगे। तो क्या है, आशा है इसलिए वो भजन गाया जा रहा है कि हमको भगवान प्राप्त होंगे। समुद्र कंठा की परिभाषा को सबसे अच्छा समझाते कौन है, विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर। अपने अभीष्ट लाभ के प्रति जो गुरुतर लोभ होता है उसे समुत्कंठा कहते हैं। अपने लाभ के प्रति क्या हो, उत्कंठा। इसके आपको लाभ क्या करना है, हमें भगवान का लाभ करना है, भगवान की प्रेमा भक्ति का लाभ करना है। उसके लोभ की गुरुता हो जाए, मतलब वो लोभ क्या हो जाए, बहुत बढ़ जाए। हम अभी बता रहे थे ना कि आशा हम रखते हैं छोटा सा बीज डाल करके कि फल आएगा। यहाँ पर सब समुत्कंठा क्या है, जिस भी चीज की हमें लोभ, हमें लोभ है उसकी गुरुता हो जाए। जैसे छोटे बच्चों को लोभ क्या दिया जाता है कि अगर तुम मैट्रिक पास कर जाओगे तो हम तुम मोटरसाइकिल देंगे। अगर वो पास कर जाता है तो उसका जो लोभ है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, समुत्कंठा। गुरुता मतलब बहुत विशाल अवस्था में बढ़ना। यहाँ शब्द दिया जा रहा है लोभ की गुरुता, क्या दिया जा रहा है, लोभ की गुरुता। गुरु मतलब बहुत विशाल होता है, तो क्या विशाल होना चाहिए, लोभ इसके प्रति, भगवान की प्राप्ति के प्रति लोभ की गुरुता को हम क्या कहते हैं, समुत्कंठा। का उदाहरण कृष्ण कर्णामृत में मिलता है। आनमाम्रम असित भ्रूर उच्चितम अक्षिन्न पद्माक्ष कुरेस्वहा आलोलम अनुराणी गणोर नयन्योर आद्रो मृदा जलपते आताम्रम अधरामृते मद कलाम अम्लान वंशी स्वनेस्वहा आशास्ते मम लोचनम रज सुशील मूर्ति जगन मोहिनी। कृष्ण कर्णामृत में लिखते हैं बेलुमंगल ठाकुर कि मैं उस दिव्य बालक का दर्शन पाने के लिए उत्सुक हूँ और प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिसका शारीरिक सौंदर्य सारे विश्व को मोहित करने वाला है। किसको मोहित करने वाला है, सारे विश्व को मोहित करने वाला है। जिसके नेत्र श्याम सुंदर के नेत्र कैसे हैं, कमल के समान है। उसके जो भौवें हैं वो किसके समान है, धनुष के समान है। वो जब फैलते हैं तो अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टिपात करते हैं और उनके नेत्र सदैव गीले रहते हैं। होंठ उनके बिंब फल के समान लाल लाल हैं और जब उनके होंठों से जब ध्वनि निकलती है तो मनुष्य क्या, हाथी जैसे दारू पी करके जो हाथी घूमता है ना, वैसा मदान हाथी की तरह मनुष्य के कान के अंदर जब कृष्ण की ध्वनि गूंजती है तो वह हाथी से भी ज्यादा उन्मत्त और मदान हो जाता है। मैं उसका दर्शन श्री वृंदावन धाम में करने के लिए उत्सुक हूँ। इस बात को यहाँ पर समुत्कंठा बताया जा रहा है। बिलो मंगल ठाकुर कैसे समुत्कंठा रख रहे हैं कि ऐसी ध्वनि जो कान में पड़े मनुष्य को तो हाथी से भी ज्यादा पागल हो जाए। जैसे दारू पीने के बाद हाथी अधिक उन्मत्त हो जाता है लेकिन उसकी ध्वनि सुनने के बाद भी हाथी से अधिक उन्मत्त मनुष्य हो जाता है। ये हो गया समुत्कंठा। सातवां क्या है, भगवान के नाम में नाम गाएं सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि। नाम से पता चल रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, नाम गाने में सदा रुचि होना चाहिए। इसमें एक ही उदाहरण केवल देते हैं कि रोदन बिंदुन मदरंद स्याद हक इंद्रावरद गोविंदा तम तो गायती नाम वाल बाला। हे गोविंद, आपके
विरह में अश्रुपात करते हुए वृषभानु नंदिनी केवल कृष्ण कृष्ण कह करके उत्सुकता से आपका नाम उच्चारण कर रही है। राधा रानी क्या कर रही है? भगवान कृष्ण को उत्सुकता के साथ नाम पुकार रही है, उसमें तन्मय होकर के नाम पुकार। केवल कृष्ण कृष्ण पुकारने से आप भावत्री बन जाएंगे। भाव भक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उत्सुकता के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा। और उसको उदाहरण में क्या दिया जा रहा है? राधा रानी जिस उत्सुकता के साथ कृष्ण कृष्ण बोलती है, उत्सुकता के साथ लेना। कभी कभी जब चैतन्य महाप्रभु महामंत्र बोलते थे तो पूरा महामंत्र भी नहीं निकलता था, केवल ह बोलते थे और वाणी रुक जाती थी, ह रे भी नहीं बोल पाते थे, राधा शब्द भी नहीं बोल पाते थे, रा केवल बोलते थे और उनकी वाणी रुक जाती थी, कंठ गदगद हो जाता था। उस अवस्था में जब हम नाम को लेंगे तब समझना चाहिए कि हम भाव की अवस्था में हैं। आठवां, गुणा ख्याने, भगवान के गुणों का गान करना। कैसे गान करना है? कृष्ण कर्णामृत में लिखते हैं, माधुर्यो माधुर्याद अपि माधुरम मन्मथा तस्यं किम अपि कैशो कैशोरम चापल्याद अपि चपलं चेतो बतहरति हंत किम कर्महा। मैं उस कृष्ण के लिए क्या करूं जो समस्त आनंद की धारणाओं से अधिक आनंद प्रद है? मतलब संसार में जितने भी आनंद हमको लगते हैं कि यहां से हमें प्राप्त होंगे, उन सबसे क्या है वो? अधिक आनंददायक है। और जो चंचल बालकों से भी अधिक नटखट, भगवान कृष्ण क्या है? चंचल बालकों से भी अधिक नटखट है। और कृष्ण के सुंदर कार्यकलापों और विचारों से मेरा मन आकृष्ट हो रहा है, तो मैं उनका गुणाख्यान कैसे करूं? पूछते हैं कि उनका गुणाख्यान कैसे करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मंगल ऐसा बोलते हैं। नौवा जो आखिरी है, क्या है इसका मतलब? गुण हाँ, गुणाख्याने मतलब होता है भगवान के गुणों का। उसी में कहते हैं ना कि सभी आनंद, जो भी आनंद हमें प्राप्त होते हैं, उन सभी से श्रेष्ठ आनंद की जहां से उत्पत्ति होती है, उन कृष्ण का। फिर दूसरा उदाहरण क्या देते हैं? जो चंचल बालक से भी अधिक नटखट है या चंचल है, उनका गुणाख्यान मैं कैसे करूं? वो असमर्थ बताते हैं गुणाख्यान करने में, फिर भी बिल्ला मंगल ठाकुर चाहते हैं कि हम उनका गुणों का गायन करें। और दूसरा है तद धाम वसती, इसको लिखे लीला स्थली में रहने की आकर्षण, लीला स्थली में रहने का आकर्षण। रहने का आकर्षण नवा क्या है? जहां जहां भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, उस स्थली में क्या होना चाहिए? हमें रहने का आकर्षण उत्पन्न होना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं तदवस्ति स्थले प्रति यथा पाद यावल्याम, उस स्थल में रहूंगा जहां पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने चलना शुरू किया था। अत्रि अत्रासित किल नंद सदम सकट स्त्रया भवद भंजनम, उस नंद के भवन में जहां पर सकट भंजन की लीला हुई थी, मैं उस स्थान को देखना चाहता हूँ। फिर कह रहे हैं बंद विच्छेद करो पि दामोदर भी, भगवान को माँ यशोदा ने जिस स्थान पर बांधा था, उस स्थान को मैं देखना चाहता हूँ। इत्थम माधुरम वद वक्त विगलित पीयूष धारम पिबन, जहाँ पर वो अपने मधुर वाणियों के साथ गोपियों की उलाहना देते हैं या उनकी कुछ बात को सुनते हैं, उस स्थान को मैं क्या करना चाहता हूँ? देखना चाहता हूँ।
आनंद अश्रुधर करा मधुपुरी धन्यस्य चिरास्य अहम्। मैं कब अपने आप को धन्य समझूंगा, जब मैं उस आनंद अश्रुधर मधुपुरी मथुरा में ब्रज मंडल में जाकर के निवास करूंगा। ऐसी इच्छा जब व्यक्ति के अंदर आए तो समझना चाहिए कि उसके अंदर लीला स्थली को देखने का आकर्षण उत्पन्न हो चुका है। अगर किसी के अंदर ये नौ भाव नहीं है, नौ गुण जो है वो नहीं दिखाई देते, तो कभी भी उसे भाव प्रेमी नहीं कहा जाएगा, उसे ढोंगी कहा जा सकता है, भोगी कहा जा सकता है, लेकिन भक्त नहीं कहा जा सकता। नहीं तो लोग क्या करते, नहीं मेरे अंदर भी भाव है, तुरंत छोटा सा शब्द है लोगों को बोलने के लिए, हम भाव में थे, हम भाव में ऐसा बोल दिए, घंटा भाव तेल लेने गया आपका भाव, नौ गुण आपके अंदर नहीं है, भाव में नहीं है। पहले आप शुद्ध भक्ति को समझिए और फिर उसको करने का प्रयास कीजिए, और भाव भक्ति बिना भक्त और भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता, हमने पहले ये बात बता दिया है। कोई भी कहे कि भाव से ऐसा हो गया था, भाव से वैसा मैंने बोल दिया था, ये चीज नहीं है, तो आपके भाव का कोई वैल्यू नहीं है, केवल इमोशन है जो भगवान के तरफ अभी तक नहीं लगा है, अगर ये चीज आपके अंदर नहीं है। भाव तो हो सकता है ना, किसी को संसार के प्रति भाव हो जाता है, किसी का पति मर गया, किसी का पत्नी मर गया, किसी का बच्चा मर गया, तो उसे प्राप्त करने के लिए आशा बंद भी हो जाता है कि वही बच्चा हमें दूसरा जन्म में भी चाहिए, वही पति हमको चाहिए, होता है कि नहीं होता है? उसके बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता है, बोलते हैं ना कि तेरे बिना अब हम जीना लगे, क्यों नहीं बोलते हैं? वो संसार में हो गया इसलिए हम लोग ऐसा नहीं ऐसा बोलते हैं। विरक्ति किसके प्रति होता है, जो उसके बोले कि वो अब आने वाला नहीं है, कोई साधु हम लोग ऐसा पहुंच जाए कि जो चला गया वापस नहीं आता, उसके प्रति वैराग्य आ जाएगा उसका उसका, लेकिन और किसी के प्रति वैराग्य आने वाला नहीं है। मान शून्यता, उसको बोला जाए कि चलो वहां पर जहां उसको जलाया गया वहां वापस जाएंगे तो मिलेगा, तो पति हो बाप हो कोई भी हो तुरंत दौड़ करके वहां पर कुछ ही दिन तक पहुंचता है। जैसे आज जलाओ तो आठ दिन बाद जाता है, दस दिन तक जा सकता है, उससे अधिक नहीं जा सकता है। नाम गाने सदा रुचि, बार बार उसी व्यक्ति का नाम लेगा जो सांसारिक भाव में फंसा हुआ है, उसी का गुण खाएगा कि मेरा पति बहुत अच्छा था, बहुत गोरा था, खाना वाना बनाता था, कपड़ा वपड़ा धोता था, ऐसा कहेंगे। लीला स्थली में रहने के उसी कमरे में घुस करके रहेंगे जहाँ उसका पति उसका बच्चा रहा करता था। तो ये भाव 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 तो है, लेकिन ये भाव संसार के प्रति है, यही भाव क्या करना है हमको भगवान के प्रति जोड़ देना है, तो ये भाव प्रेम क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। समझ गए इसको? अब आगे बेटा समझ में आया ना, ये होता तो सब में है लेकिन लोग समझते नहीं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, होता है लेकिन अपने ही परिवार के अपने ही स्वजन के प्रति ये सब होता है, भगवान के प्रति ये सब नहीं होता है। और एक और बात है, किंतु बाल चमत्कार करी तब चिन्ह विच्छया अभिज्ञ शुभोदय रत्याभास प्रकृतिता। कभी कभी ऐसा होता है कि वो भाव भक्त तो नहीं है लेकिन उसके अंदर ऐसे कुछ गुण देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो उसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ लिखें शब्द क्या है, रत्या भास, क्या है भाव का दूसरा नाम क्या है, रति, और क्या है रत्याभास, रत्याभास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रतिबिंब, दूसरा होता है छाया, जो बाद में जा करके परा हो सकता है। कोई कोई ऐसे भक्त भी दिखाई देते हैं जिसके अंदर भाव के कुछ ही लक्षण प्रकट होते हैं, सब लक्षण प्रकट नहीं होते, तो ऐसा क्यों होता है, पहले इसको रत्याभास समझ के, रति मतलब भाव, भाव वहां क्या लिखा है रत्याभास, भास
मतलब उसके जैसा दिख रहा है, उसके जैसा लग रहा है, लेकिन जैसे मिश्री और फिटकरी देखने में एक जैसा दिखता है, तो वैसा लक्षण दिखेगा किसी के अंदर तो हमको क्या लगेगा, उसके अंदर भी भाव आ गया है। किसी को दूध में डालना हो चीनी और कभी मिश्री दिख जाए और डाल दिया तो मीठा लगेगा नहीं लगेगा। भास मतलब केवल भासना, लेकिन वैसा वास्तविक में नहीं होना, जैसे चीनी और जैसे मिश्री और फिटकरी दोनों देखने में एक जैसा है, लेकिन दोनों का गुण अलग अलग है। एक नमकीन लगता है और एक खट्टा मीठा, तो उसको क्या बोलते हैं, भास। तो वही रति क्या हो रहा है, किसी के अंदर है नहीं लेकिन हमें क्या कर रहा है, भास रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रत्या भास, रत्या भास। पहले इसको समझ लीजिए, फिर आगे भी समझाना है। रत्याभास किसके अंदर आएगा, हम किसी ऐसे भक्त के संग में हैं जिसके अंदर भाव भक्ति आ चुकी है। जब हम उसके संग में आते हैं तो हमारे अंदर अभी भी, हम तो शुद्ध हुए नहीं अभी तक, तो मेरे अंदर भोग की इच्छा है, मेरे अंदर मुक्ति प्राप्त करने की लालसा अभी तक उपस्थित है, लेकिन भक्त के संग में आने के कारण उस भाव के कुछ लक्षण हमारे अंदर दिखाई देने लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रत्याभास। फिर से सुनिए, शुद्ध भक्त जिसके अंदर भाव का संपूर्ण चरित्र उत्पन्न हो चुका है, और कोई ऐसा भक्त जिसके अंदर भाव का वो सारे गुण उत्पन्न नहीं हुए, दोनों भक्त जब एक साथ आते हैं, जो नया भक्त है उसके अंदर भाव नहीं आया है लेकिन उसके अंदर भोग और मुक्ति की इच्छा अभी तक है, तो उस शुद्ध भक्त जिसके अंदर भाव भक्त का गुण आ गया है, उसका आभास उस भक्त में भी होने लगता है, तो उसको बोलते हैं रति आभास। ठीक है नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगने लगता है और कुछ कुछ गुण उसके अंदर आने लगते हैं, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी गाता है, ये सब करता है। समझ गए इसको, अब क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब रत्याभास क्या होता है, किसी शुद्ध भक्त की संगति में हम क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, कभी धाम जा रहे हैं उसके साथ, कभी वो कीर्तन कर रहा है तो हम उसके साथ कीर्तन में बैठ रहे हैं, जब वो सब कुछ करता है, सब कुछ कर रहा है, हम भी उसके साथ बैठ करके उसी काम को करने लग जाते हैं। जैसे मेरे साथ कोई शुद्ध भक्त है या हम किसी शुद्ध भक्त के साथ बैठे हैं, वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन गा रहा है और हम उसके पीछे उसी महामंत्र को दोहरा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी क्या होगा, उसकी अनुवृत्ति के कारण हमारे हृदय में आकांक्षा उत्पन्न हो जाएगी कि जैसा उसके अंदर भाव आ रहा है वो भी भाव मेरे अंदर आना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब रत्याभास। इस रत्याभास को समझ लिए, और इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसको अगर ध्यान से नहीं सुनिएगा तो तीनों मिक्स हो जाएगा, रत्याभास, प्रतिबिंब और छाया, तीनों मिक्स हो जाएगा, इसलिए ठीक से समझिए इसको। यहाँ प्रतिबिंब का अर्थ है कि हम किसी ऐसे शुद्ध भक्त के संग में हैं जिसके अंदर भाव का पहले से गुण मौजूद है, हम उसके साथ कभी जा करके उठते बैठते हैं, वो कीर्तन करता है या कोई भी भक्त के अंगों का पालन करता है, तो हम उसकी अनुवृत्ति करना चाहते हैं, उस अनुवृत्ति के कारण हमारे अंदर भी उसके जैसा भाव का जो कुछ कुछ प्रतिबिंब पड़ने लगता है, तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंब रत्याभास। रत्याभास नहीं, अलग, दोनों अलग है।
यहाँ रत्याभास में क्या हो रहा है कि केवल हम संग में हैं और उसका आभास हमारे पास पड़ता है, जिसमें हमारे अंदर भोग की भी इच्छा है और मुक्ति की भी इच्छा है। यहाँ पर क्या है, हम उसका अनुकरण कर रहे हैं, इसके अंदर भी भोग की इच्छा और मुक्ति की इच्छा है। दोनों के अंदर भोग की इच्छा होती है और मुक्ति की इच्छा है, इसके अंदर भी भोग की इच्छा है और मुक्ति की इच्छा है। ये भी भक्त के संग से आया, लेकिन इसमें किसी प्रकार का अनुवृत्ति वो नहीं कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, अनुवृत्ति, मतलब वो शुद्ध भक्त जैसा आचरण कर रहा है उसी को फोटो कॉपी करने का प्रयास कर रहा है। प्रतिबिंब मतलब समझ कर, जैसे शीशा के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो शीशा में व्यक्ति का क्या पड़ेगा, कब तक पड़ेगा, जब तो वैसे ही जब तक हम उसके अनुवृत्ति में उसके संग में रहेंगे तब तक हमको उसका प्रभाव मिलेगा। जैसे ही हम वहां से बाहर हो जाएंगे हमारे हृदय से भी वो भाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त होगा। इम्प्रेशन जो छाप जो होता है वो प्रतिबिंब का उस नए भक्त के हृदय में बना ही रहेगा, लेकिन संग जैसे ही दूर हो जाएगा वो धीरे धीरे उस भक्त के हृदय से वो भाव खत्म होगा, तुरंत नहीं लेकिन होगा। और ये भाव बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे प्रतिबिंब क्या होता है, हम अपने आप को अगर सजाना चाहते हैं, तिलक लगाना चाहते हैं तो प्रतिबिंब में देख कर अच्छा से, लेकिन छाया में उसको नहीं कर सकते। जो प्रतिबिंब जो फलित होगा भाव प्रेम भाव भक्त का किसी भी भक्त के अंदर, तो स्पष्ट होगा लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। रत्याभास श्रेष्ठ या प्रतिबिंब, रत्याभास का ही दोनों प्रकार है ना। हाँ, तो ये प्रतिबिंब हो गया जो कुछ ही समय तक उसके पास रहेगा, ठीक है। जिसका उदाहरण में यहाँ देते हैं, देव सद्भक्त संगेन कीर्तयान अनुसारिणम प्राय प्रसन्न मनसाम भोग मुक्षादि रागिणम केंसाचित हृदि भवंदो प्रतिबिंब उच्यति तद भक्त हन नभ स्वस्थ तद संसर्ग प्रभावतः। जैसे चंद्रमा आसमान में उगता है लेकिन उसका प्रतिबिंब अनेक सरोवरों में दिखाई देता है, तो चंद्रमा की सुंदरता उस सरोवर में भी दिखाई देती है। जैसे ही पूर्णिमा की चांदनी खत्म होगी धीरे धीरे उस सरोवर में पड़ने वाला प्रतिबिंब भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसी प्रकार प्रतिबिंब कब तक रहेगा, जब तक वो संग में रहेगा। समझ गए, अब समझिए छाया को। प्रभुपाद जी किताब में केवल छाया को समझाते हैं, ठीक है। प्रभुपाद जी किताब में केवल छाया को समझाते हैं कि छाया क्या है। तो लिख रहे हैं परिभाषा में, क्षुद्र कौतूहलम मई चंचला दुख हारिणी रतेश छाया भवेत कंचित साध्य अलंबनी। क्षुद्र कौतूहल, ये छाया प्रतिबिंब किसके अंदर आएगा, जो नया भक्त है, एकदम नया भक्त है। क्या होगा, वो जो नया भक्त है वो क्या करेगा, उसके अंदर भोग भोगने की इच्छा है, केवल भोग। क्यों है इच्छा, क्योंकि अभी तक वो नया है, नया होने के कारण उसके अंदर भोग की इच्छा है, लेकिन उसका रति जो है, जो भगवान को पाने का रुचि जो है वो थोड़ा ज्यादा है। जब ये चीज उसके अंदर ज्यादा है तो ऐसा जो प्रभाव उसके अंदर पड़ता है उसको बोलते हैं छाया रत्याभास। समझ रहे हैं तीनों में अंतर, ये भक्त नया होगा और उसके अंदर थोड़ा सा भोग का इच्छा है, लेकिन यहाँ मुक्ति का भी इच्छा है ना उन दोनों के पास, इसको भी मुक्ति चाहिए और इसको भी मुक्ति चाहिए, इसलिए इसका प्रतिबिंब जो है कुछ समय तक टिकता है और फिर समाप्त हो जाता है। नया भक्त है जिसको अभी तक भोग की इच्छा तो जरूर है कि हम भगवान के पास जाएंगे तो हमको भोग मिलेगा, क्यों, क्योंकि नया भक्त है, लेकिन शुद्ध भक्त के संग में रहने के कारण उसके अंदर जो रति का आभास पड़ता है वो थोड़ा ज्यादा समय तक टिकता है। कि
यदि कोई भक्त की भक्ति के नियमों का पालन किए बिना या प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के बिना ऐसी अनुकरणीय अनुरक्ति प्रदर्शित करता है तो यह छाया अनुरक्ति कहलाती है। वो परिभाषा यहाँ लिखते हैं, क्षुद्र कौतूहलमयी चंचला दुख हारिणी रतेश छाया भवित कंचित तत्साध्य लंबनी। गुरु प्रभुपाद जी उसको समझाने के लिए लिख दिए कि कोई शुद्ध भक्त है या ऐसा कोई गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहा है और नया भक्त है तो उसको क्या बोलते हैं गुरुपाद जी? नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं कर रहा, फिर भी उसके अंदर ऐसा भाव आता है तो स्पष्ट रूप से गुरुपाद जी इसलिए नहीं लिख रहे हैं ना प्रेम भक्ति को गुरुपाद जी स्पष्ट रूप से लिखे और न इसको, क्योंकि वो समरी स्टडीज के रूप में दिए हैं गुरुपाद जी, इसलिए इसको डिटेल में वो नहीं बताते हैं कि है क्या। तो यहाँ रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि छाया भक्त छाया रत्याभास वो है, नए भक्त के अंदर थोड़ी सी भोग की इच्छा होती है लेकिन भगवान को प्राप्त करने की रुचि जो होती है उसके अंदर अधिक होती है। क्या हो गई ये रुचि? अधिक है थोड़ा सा, भोग से ज्यादा रुचि क्या है उसको? भगवान को पाने में। और ऐसा भक्त अगर किसी भाव भक्ति के संग में आता है तो उसके अंदर क्या पड़ेगा? छाया रत्याभास। और ये कैसे आता है तो बताते हैं, हरि प्रिय क्रिया काल देश आदि देश पात्र आदि। हरि प्रिय क्रिया भगवान के भक्तों का जो भजन करने का जो अंग है, वो क्रिया को करने के बाद या फिर किसी भी धाम में रहने के बाद किसी के संग के कारण कोई कुछ बोल दिया उसके कारण ये भाव आता है। और ये भाव क्या होता है लिखते हैं कि बहुत दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है? यद अबुद्यत क्षेम तद स्याद उत्तरोत्तम किंतु भाग्य बिना नाशो भाव छायाप्त्युच्चदा। बिना भाग्य के ये छाया रति छाया रत्य भास किसी के हृदय में प्रकट होने वाली नहीं है। और ये आती है तो उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। ये क्या हुआ? संग खत्म हुआ, प्रतिबिंब चला गया, लेकिन छाया रत्य भास में बोलते हैं कि क्षेमम तत् स्याद उत्तरोत्तरम। ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और दिन प्रतिदिन घटता जाएगा। कब? जब हम संग छोड़ देंगे तब। और ये क्या होगा? संग छूटने के बाद भी आपका बढ़ेगा। बस इसमें हमारा अपराध नहीं होना चाहिए किसी भक्त के प्रति। समझिए, अब प्रभुपाद जी उसके आगे और पीछे जो लिखे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए कि क्या लिखे हैं। तो ये अध्याय हम लोग का समाप्त हो जाएगा और इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको मिटाएं, इसको उतार लिए सब। ये समझ में नहीं आया तो फिर से बताएंगे, तीनों में अंतर है उसको भी समझिए और तीनों क्या है उसको भी समझिए। कोई बिना भजन के बिना साधन के भी अगर प्राप्त कर ले रहा है और ये नौ गुण उसके अंदर नहीं है फिर भी उसके अंदर भाव के कुछ गुण दिखाई देते हैं तो वो रत्याभास का कारण है या फिर प्रतिबिंब रत्याभास का कारण है या फिर छाया रत्याभास का कारण है। छाया रत्याभास अगर आपके पास एक बार प्राप्त हो गया तो आप उस छाया को वापस भाव प्रेम में वास्तविक भाव में परिवर्तित कर सकते हैं। वो रत्याभास न रह करके वो वास्तविक भाव बन जाएगा। कौन? छाया रत्याभास को आप वास्तविक भाव में परिणित कर सकते हैं। ठीक है, अब कब कर सकते हैं? जब हम किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध न करें। अपराध तीन प्रकार का होता है, वहां भी लिखे हैं प्रभुपाद जी, मध्यम कनिष्ठ, बस दो ही लिखे। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि हम लोग केवल 19 अध्याय तक पढ़ने वाले नहीं हैं, हम आगे भी जाएंगे, इसलिए इसको समझना जरूरी है। समझ गए? नहीं तो हम बोलते कि हो गया, लास्ट में बोलते कि आप प्रभुपाद जी नरसिंह पुराण दिए उसको देख के खत्म। ये जो बता रहे हैं इसको प्रभुपाद जी एक पैराग्राफ में लिखते हैं, कनिष्ठ अपराध और मध्यम अपराध। ठीक है, समझ गए सब कोई? अब जो हम पढ़ाए हैं आपको भाव प्रेम में रागानुगा प्रेम में वो सबको अपने दिमाग में लाना शुरू कीजिए। भाव प्रेम, ठीक है, ये प्रेम को हम कर
कल समझेंगे, फिलहाल भाव को अभी हम लोग समझेंगे क्या है। तो यहाँ कह रहे हैं ये भावों के अभावत आयति कृष्ण प्रेष्ठा अपराधत अभासतम च सकनेर न्यून जाति यताम अपि। अगर कोई भाव प्रेम के स्तर पर पहुंचा हुआ है, अगर उसके प्रति आप कोई बड़ा अपराध करते हैं, क्या अपराध कर दिए हम? बड़ा अपराध, छोटा मोटा अपराध नहीं, बड़ा अपराध, सीधा सीधा क्या कर दिए? बड़ा अपराध। बड़ा अपराध बोले तो वो तो वैष्णव है, क्योंकि वो तो भाव के स्तर पर पहुंच ही गया है। हम उसको अगर मार दिए तो क्या हो गया? तो आपके अंदर जो भाव का उत्पत्ति होना था, या अगर आप भाव के स्तर पर भी थे तो समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आपका जितना भी जमा पूंजी है वो खत्म, ठीक है। अगर आपने मध्यम अपराध किया है, कैसा अपराध है आपका? मध्यम अपराध। अगर आप मध्यम अपराध करेंगे और आप भाव के स्तर पर हैं तो भाव परिणित हो जाएगा भावाभास में, रत्याभास में, या प्रतिबिंब छायाभास में। मध्यम अपराध क्या करेगा आपको? भाव से केवल भावाभास में ला करके छोड़ देगा, ठीक है। भाव जैसा तो आप लगेगा कि हम भाव प्रेमी हैं, लेकिन अब आपके अंदर भाव के कोई सात्विक विकार उत्पन्न होने वाले क्यों? लगेगा ऐसा कि हमारे अंदर भाव आ रहा। इसके उदाहरण में लिखते हैं कि रामायण में एक चरित्र आते हैं जामवंत जी जैसे, वो लगते थे जिनका नाम था दुईमो। क्या नाम था उनका? दुईमो। उन्होंने लक्ष्मण जी के प्रति अपराध कर दिया था, तो वो उनका बड़ा अपराध होने के कारण वो, ठीक है, तो भाव से वो नीचे हो जाएंगे जो बड़ा अपराध है, खत्म, भाव खत्म, जीरो, श्रद्धा वापस, श्रद्धा से नीचे खत्म हो जाएंगे, पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म, भक्ति खत्म, पूरा आठ स्तर जो भक्ति का है वो समाप्त हो जाएगा। और मध्यम अपराध होगा तो केवल हम भाव के स्तर पर हैं, तो भाव भावाभास के स्तर पर आएंगे, मतलब थोड़ा सा कम होगा, फिर हम अपराध को क्षमा मान करके वापस भाव के स्तर पर पहुंच सकते हैं। और फिर कनिष्ठ अपराध हो गया, नहीं जानते हैं लेकिन ऐसा कोई अपराध गलती से बन जाता है। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए उसको पूछना पड़ेगा, पूछिए, ठीक है। ये तो समझ में आया ना, बड़ा अपराध और मध्यम अपराध। अब जो कनिष्ठ अपराध है उसको समझिए। भाव, भाव की परिभाषा हम बहुत लंबा चौड़ा उसने समझाए थे कि भाव भक्ति की स्थिति में पहुंचते हैं, तो भाव जो है वो पांच स्थायी भाव में और संचारी भाव में परिणित होता है। किस भाव में? पांच स्थायी भाव में, जिसको संचारी भाव समझ लीजिए। संचारी भाव, संचारी भाव इसलिए क्योंकि ये भाव जो है निरंतर बदलता रहता है और बढ़ता रहता है, इसलिए इसको संचारी भाव बोलते हैं। भगवान के प्रति यही भाव क्या हो रहा है? यही भाव को हम बताए थे संचारी भाव, अनुभाव, विभाव, स्थाई भाव, ये सब बताए थे। तो इसी भाव के अंदर स्थाई भाव आता है। क्या आता है? स्थाई भाव। स्थाई भाव पांच प्रकार के होते हैं, उसमें शांत, ये पांचों रस मिलकर के स्थाई भाव में लाएगा, और वही स्थाव आगे चल करके रस के रूप में परिणित होगा। किसके ऊपर? रस के ऊपर। और यही रस पांच प्रकार का होता है, शांत, दास, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। सबको पता है शांत, दास, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। जो भाव जो है वही जा करके भाव को भी संचारी भाव बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो भाव कृष्ण के प्रतिदिन प्रतिदिन क्या कर रहा है? बढ़ता जा रहा है, तो संचारी भाव हो गया, ठीक है। और वही भाव
भाव जब परिणित होते जाता है और बढ़ते जाता है, भाव अनुभाव विभाव ये सब पांचों रस स्थाई भाव के साथ जब मिल जाते हैं तो रस की निष्पत्ति करते हैं, और वो रस जब बढ़ता जाता है तो स्थान वास्य साख वास्य और माधुर्य रस में परिणित हो जाता है। ठीक है, जब हम छोटा मोटा अपराध कर देते हैं तो हम माधुर्य में हैं तो हम दास में पहुंच जाएंगे। पता है कि किसी को नहीं समझ में आ रहा रसों के स्तर में गिरावट। ठीक है, यदि हम पांच जो जो हम पांच बताए थे वो बताइए, वो है स्थाई भाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, अनुभाव विभाव। संचारी भाव, दूसरा स्थाई भाव, स्थाई भाव, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी और अनुभाव विभाव, अनुभाव विभाव और विभाव। ठीक है, ये पांचों रस ये पांचों भाव जो है वो जब एक साथ मिल जाएगा तो रस बनेगा। ठीक है, अभी जो हम आपको गुलाब जामुन का रस, समोसा का रस और मैंगो जूस का रस बता रहे थे पहले क्लास में, अब वो रस नहीं रहा। अब यही भाव जो है आपका जब स्थाई अवस्था को प्राप्त कर लेगा, किस अवस्था को, स्थाई, तब आप भगवान के साथ किसी एक रस में स्थित हो जाएंगे। जिसमें पहला रस क्या है, शांत, दूसरा दास्य, तीसरा साख्य, चौथा वात्सल्य, लिख रहे हैं बोर्ड में साफ साफ, और माधुर्य। ये पांच रस हैं और पांच भाव विभाव अनुभाव सब हैं, और ये सब स्थाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हम प्राप्त कर लिए और रस में परिणित हो गया तो ये समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। फिर सुनिए, ये भाव जब स्थाई भाव को प्राप्त करके रस में परिणित हो जाएगा उसके बाद भी ना ये भाव समाप्त होना है और ना ये सब समाप्त होगा। जैसे हम दूध हैं, क्या है दूध, दूध से क्या बना, दही से, छाछ से, घी से, मक्खन से घी, क्या है मक्खन से घी, के अंदर दूध है कि नहीं है, उसको निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता, नहीं, लेकिन यहाँ है दूध से जब घी बन गया, इस घी के अंदर दूध है लेकिन दूध को अलग से अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ये खासियत है कि भाव से लेकर के हम महाभाव के स्तर पर कहीं भी जाएंगे तो हम घी बनने के बाद भी दूध का आस्वादन कर सकते हैं, तो उसका नाश कभी भी नहीं होता। जब हम कनिष्ठ अपराध कर देते हैं किसी भाव प्रेमी के भक्त को या किसी भक्त के अंदर, तब हमारे अंदर क्या होगा, हम माधुर्य रस में स्थित थे तो वो रस गिर करके दास में या शांत में परिणित हो जाएगा। अगर कोई शुरुआत में भक्त शांत अथवा दास रस को प्राप्त किया है तो अपने आप को वो बढ़ा करके माधुर्य तक जा सकता है। ठीक है, ये तीन प्रकार के अपराध हैं। इसको समझ नहीं आया होगा तब फिर बताएंगे। एक क्वेश्चन है मेरे को, हाँ, ये जो रस है कहाँ रस है, मतलब शांत दास, हाँ, तो ये रस जिनके पास है जैसे जो शांत रस में है, हाँ, तो उनके अंदर वो यही भाव से ना वो बना, हाँ, तो भाव ऐसा कुछ होता है कि ये इस रस में है तो ये इस भाव में हो, ऐसा कुछ आएगा, वो जब आएगा तो बताएंगे, वो हमारा विषय नहीं है, हाँ, वो विषय नहीं है। ये भाव है, पांचों भाव मिलकर जय ये रस का निष्पत्ति करता है, वो रस पांच प्रकार के होते हैं। जब हम किसी भक्त के अंदर
कनिष्ठ अपराध करते हैं तो हम अपने रस के अंदर गिर जाते हैं। कोई मध्यम अगर अपराध करता है तो भाव से हम भावभास में आ जाएंगे, और बड़ा अपराध करते हैं तो आप समाप्त हो जाएंगे, आपका भक्ति का जो जीवन है वही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कोई भी भाव भक्त की अवस्था में हो तो हमको उसके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भी सुन, भाव भक्त की भक्ति क्या है ये हम आपको बताए थे, और भाव भक्ति हम शुरू किए थे तो हमने बताया साधन भक्ति का साध्य क्या है, भाव भक्ति क्या है, और भाव भक्ति का साध्य क्या है, प्रेम भक्ति। लेकिन यहाँ पर भाव को पूर्णतः साध्य नहीं माना जाता, हम बताए थे इसको कि साधन क्या है हमारा वैदिक भक्ति या रागानुभव भक्ति, इसके माध्यम से हमें प्राप्त क्या करना है प्रेम, ये हमारा साध्य नहीं, ये बीच में आता है लेकिन ये पूर्णता नहीं है। मतलब इस भाव के स्तर पर भी आने के बाद भी कोई भी भक्त नीचे गिर सकता है। दूसरा, इस भाव के अंदर अनर्थ निवृत्ति के जितने भी कार्य और कारण हैं वो उपस्थित रहते हैं, ये पूर्ण शुद्ध ना होने के कारण भी इसको साध्य नहीं माना जाता। प्रेम में ये सब समाप्त हो जाते हैं, इसलिए किसी भी साधन और भाव का साध्य प्रेम कहलाता है। तो ये भाव क्या है, भाव की अवस्था में जो भी भक्त है उसके अंदर कुछ ना कुछ दुर्गुण दिखाई दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दें, लेकिन दे सकते हैं, क्योंकि ये साध्य है साधन नहीं, साधन है साध्य नहीं है। जब हम साध्य अवस्था में प्राप्त कर लेंगे तब ये दुर्गुण हमारे अंदर नहीं होंगे। कोई भाव प्रेमी है लेकिन उसके अंदर कुछ दुर्गुण हमको दिखाई दे दिया और हम उसको क्या कर दें, गाली दे दें कि आपके अंदर तो ये दुर्गुण है, आप बड़ा बड़ा प्रवचन करते हैं लेकिन आपके अंदर ये दोष दिखाई देता है, तो आपका अपराध हो रहा है ना कि उस भक्त का अपराध हो रहा है। उसने अपनी अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को लगभग पूरा कर लिया है, उसने अपने जो फैन से चलता है तो कुछ देर तक बंद करने के बाद भी घूमता रहता है, तो उसने अपने फैन को बंद कर लिया, अब वो कुछ समय बाद अपने आप बंद हो जाना है। तो उसके उदाहरण में प्रभुपाद जी भी लिखते हैं और रूप गोस्वामी बताते हैं, जैसे चांद के अंदर दाग है, उसके अंदर कलंक लगा है, फिर भी उसकी चांदनी को कोई अवरोध नहीं। चांदनी जब पूर्णिमा के रात पर अपना चांदनी बिखेरता है चांद, तो खराब देखने में लगता है कि सुंदर लगता है, तो उस दाग के कारण, उस धब्बे के कारण भी उसकी चांदनी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार कोई भाव भक्ति की अवस्था में है, उसके अंदर कोई दुर्गुण भी दिखाई दे रहे हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आखिरी में कुछ बात बोलते हैं, नरसिंह पुराण में, भगवती च हराव अनन्य चेता वृषम अल्लेनेपि विराजते मनुष्य न ही सशा कलुष छवि कदाचित तमीर प्रभावताम उपेति चंद्रहा। कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके कलंक दिखाई देने पर भी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उस अवस्था में नहीं है। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ये भी बताते हैं, जैसे बरसात आने पर गंगा के ऊपर बहुत सारे फेन बुलबुले कचड़े बहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि गंगा नदी अपवित्र हो गई, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं रहा हमको पवित्र करने का, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गंगा के ऊपर मल बह रहा हो, चाहे किसी का मुर्दा लाश बह रहा हो, वो गंगा हमें पवित्र कर सकती है। इसी प्रकार भाव भक्ति जिसके अंदर आ गया है, हम अगर उसके प्रति अपराध करेंगे तो हम अपने जीवन में कभी भक्ति को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। भाव भक्ति कैसे प्राप्त होती है, साधन भक्ति से और कृष्ण की कृपा से, और कृष्ण के भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है। तो ये है भाव भक्ति, जिसको हम लोग समझ लिए कि भाव भक्ति के चरित्र कितने होते हैं। तो भाव भक्ति के 9 लक्षण हमने आपको बताए, 3 प्रकार के अपराध बताए, और भाव से कैसे रस की निष्पत्ति होती है ये हमने आपको बताया, समझ गए। तो हम भाव को पूर्ण कर लिए, अब हम लोग साधन और भाव से होते हुए कल प्रेम भक्ति के बारे में समझेंगे कि प्रेम भक्ति क्या होती है, क्या उसकी अवस्था है। इसी का प्रश्न है कि ये जो अपराध है वो किसके प्रति हो रहा है, जिसे भक्त के प्रति, जिसने इस भाव को प्राप्त कर लिया है उसके प्रति। अगर भाव मान लीजिए कि रस में स्थित है, जितने भी नित्य शुद्ध भक्त हैं जिसको हम नहीं भी जानते हैं, लेकिन वो अगर हो सकता है किसी उच्च रस में हो या ना भी हो,
और आप हो सकता है मादरस में हो और आप भी अपराध हो जब आप नीचे उतर जाएंगे अपराध हो रहा है किसके प्रति भक्त के प्रति कोई भी अपराध नहीं भाव जिसने भाव प्रेम और उसके ऊपर की अवस्था प्राप्त कर ली है उसके प्रति और साधन भक्ति में भी हमने बताया वैधि भक्ति के अंतर्गत कि किसी भी भक्त के प्रति अपराध होगा तो आप अपने पद से नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे लेकिन इस भक्ति में आकर के तीन अपराध की चर्चा इसलिए की गई कि अब आप कहां से गिरने वाले हैं अपने भाव से और अपने रस से गिरने वाले हैं इसलिए इस भाव में आकर के ये तीन प्रकार के अपराधों की बात हमने कही समझ गए ये आगे पहुंचे हुए लोगों की बात है वो लोग छोटा मोटा अपराध नहीं करते हम यशोदा माँ को वात्सल्य रस में रखे हैं उसको हम ले आए साख्य में तो क्या होगा अपराध लगेगा कि नहीं लगेगा लेकिन इसमें खासियत क्या है इस रस में कि हम माधुर्य रस में भी रहे ना तो इन चारों रसों का आस्वादन करते हैं तो जब हम रस पढ़ के समझेंगे एक एक रस के बारे में और एक एक भाव के बारे में ये पांच भाव को हम समझेंगे कि होता क्या है इसके लिए पांच अलग अलग सेक्शन ही है प्रभुपाद जी ने लिखा है और गोस्वामी ने लिखा है समझ गए ये केवल समझाने के लिए था कि उपस्थित रहता है सबको जरूरत तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण।